शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी पार्टी फंड के लिए मुझे पैसा चाहिए। एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, ये तो समझ जा। और वैसे भी तुम लोगों को हमारी जरूरत पड़ती ही रहती है ना? मगर विक्स चल विशु, सावन ने अगर पैसा नहीं दिया तो उसके सारे के सारे टेंडर्स कैंसिल कर दो। चल दारू पीते। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। वी आर क्लोज्ड। क्या रे, जानता नहीं तू इसको कौन है ये? है पॉलिटिशियन का लड़का है, विवेक चौहान नाम है इसका। कहता क्या है, बार बंद हो गया, चल हट यहां से। लेकिन सर, सर दो विस्की। एक्सक्यूज मी सर, बार बंद हो चुका है। डू यू नो टू हुम यू आर स्पीकिंग टू? जानती हो मैं कौन हूं? अब जो भी हो सर, हम आखिरी ऑर्डर ले चुके हैं। कांट हेल्प यू विद दैट। तुम साली दो टके की औरत है, अपने आप को समझती क्या हो? हर जगह तुम्हारी मनमानी चलेगी। एक्सक्यूज मी सर, एंड बिहेव योरसेल्फ। आप हंसे ज्यादा बोल रहे हो। मैं आखिरी बार कहता हूँ, आई वॉन्ट माई ड्रिंक राइट नाउ। आई एम सॉरी सर, आपको ड्रिंक नहीं मिलेगा। आई सेड वी आर क्लोज्ड। अरे भाई, ये क्या कर दिया तूने? पता नहीं यार, कहां का गुस्सा मैंने कहां निकाल दिया। चल यहां से, चल चल भाग, चल चल भाग, चल भाग, विश्व भाग। टिकड़ा भाग, 13 नंबर में लड़के बिड़के होंगे ना, पकड़ के अंदर डालना सीधा। ओ खेलकर, 14 नंबर में देख, हॉस्टल तक इंस्पेक्टर उद्धव पवार। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राणे, तुम्हें पता है तुमने किसके बेटे को अंदर कर रखा है? चौहान साहब, मैं क्या कर सकता था? वो पवार ने अरेस्ट किया है। अब पंचनामे में 25 विटनेस के सिग्नेचर्स हैं। एक लड़की का खून हुआ है और ये ऊपर से साला पवार बिकाऊ नहीं है। फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये कोर्ट का मामला है। पंडित जी, वकील को फोन लगा, बोले जमानत की तैयारी करें। अभी करता हूं। लेकिन सर, मैं आपको बताता हूं कि ये तुम ये बताओ, विटनेस पे किस किसने दस्तखत किए हैं? पवार के अकेला अफसर है, अब तुम क्या कर रहे हो? आप चिंता मत। अच्छा ठीक है, विवेक कहाँ है? आइए। ऐसा बोलते क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या जरूरत थी? पता नहीं है तुझे, इलेक्शन सर पे है और तू अब गलती हो गई ना बाबा, वो शुक्ला से कहकर मेरी बेल करवाओ और जो विटनेसेस है और वो इंस्पेक्टर है ना, उसको खरीद लो। बाहर निकलने के बाद सब संभाल लूंगा मैं। चुप, बाहर निकल के सब ठीक कर दूंगा। तू समझाएगा मुझे कि मुझे क्या करना है? बाहर निकल के सब ठीक कर दूंगा। और तू, कितनी बार समझाया तुझे कि सामान लेकर मत चला कर रास्ते में? भेजा नहीं है तेरे पास, इस्तेमाल किया कर थोड़ा। विवेक बेटा, तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ माँ, तू चिंता मत कर, कुछ ही दिनों की बात है। इसके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ? क्या हुआ इसको? Thank you.
तेरे मर्द ने। अरे पहली बार ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मेरा मर्द तो आते जाते रहता है। वैद्य जेल में महेंद्र चौहान का पिल्ला है, अब देखते हैं क्या करता है वो। मलाम, आजाद नगर दुल्हन की तरह सजा है, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। मुबारक हो। जादव जी साहब, एक कटिंग बॉल। ठीक है साहब। क्या रे पवार, आज तो बड़ा खुश होगा तू। मालूम पड़ा कि विवेक चौहान की बेल एक बार फिर से बना हो गई। पवार, मैं क्या कहता हूं कि चौहान साहब के वकील ने तुझे जो ऑफर दिया, अरे मान ले, सुखी रहेगा तू। अरे चार ट्रांसफर तो तेरे पहले ही हो चुके हैं। सोच, अरे जरा सोच, बड़ी मुश्किल से पोस्टिंग मिलती है। अरे कई पॉलिटिशियन और बेग जैसे आदमियों के लिए काम किया है मैंने। एक बात बता राणे, पहले तेरी पोस्टिंग ग्रैंड रोड पर पीला हाउस में थी ना? हाँ, क्यों? नहीं, मैंने सुना है वहां बहुत माल बनाया तूने, बहुत पैसा बनाया तूने। रंडियों के ब्लाउज में से पैसा निकालकर हफ्ता इकट्ठा करता था तू। और सुन ना, कभी शिंदे, कभी पाटिल, कभी बेग, अभी वो चौहान, इन नेताओं के तलवे चाटने से तो अच्छा है वहां पीला हाउस में जाके भड़वागिरी शुरू कर दे, बहुत माल कमाएगा। ये वर्दी है तेरी रखेल का पल्लू नहीं, समझा? ये देख क्या लिखा है, पढ़ना जानता है? संरक्षण आय खल निग्रहण आय, पढ़। मतलब जब तक मैं विवेक को सजा नहीं दिलवाता तब तक फाइल बंद नहीं करूंगा, समझा? बड़े अफसोस की बात है चौहान साहब, आज फिर विवेक की बेल नहीं हो पाई। 14 दिन के लिए उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। साफ साफ बताओ हिरवानी, 14 दिनों बाद बेल के क्या चांसेस हैं? जी, बहुत मुश्किल है। अगर उस दिन भी बेल रिजेक्ट होती है तो कम से कम 4-6 महीने के लिए तो वो अंदर गया। अपने अच्छे खासे कैरियर को बर्बाद कर दिया बेवकूफ ने, और उधर बेग खुशी से फूला नहीं समारा होगा। क्या कहते हो यशवंत? जी, प्रॉब्लम तो वाकई बहुत बड़ी है। आप तो पहले अनाउंस कर चुके हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस बार तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो तो एक बात कहूं? बोलिए। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अपनी बहू अनुराधा जी को इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा कर देते? घर की सीट घर में ही रह जाएगी, और जहां तक विवेक जी की बात है, 2-4 महीने में भोली भाली जनता इस कांड को तो भूल ही जाएगी। गुड आइडिया बुरा नहीं है चौहान साहब, अगर अनुराधा जी तैयार हो तो मैं बात कर लूंगा हाई कमांड से।